अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स। यहाँ आपको ज़ीरो से बेसिक और बेसिक से एडवांस मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, जो कि डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस जैसे फील्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम देखेंगे कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को बोलते हैं जो नेचुरल नंबर्स हों और वो नंबर्स एग्जैक्टली दो नंबर्स पे डिविजिबल हों, जो एग्जैक्टली दो नंबर्स पे डिवाइड हो सकते हों। और वो दो नंबर्स कौन से हैं जिन पे डिवाइड हो सकते हों? एक नंबर वन है और उनके अलावा वो जो नंबर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर खुद है। तो ऐसे तमाम नंबर्स जो अपने ऊपर और अपने अलावा सिर्फ वन के ऊपर डिवाइड हो सकते हैं, उन तमाम नंबर्स को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है, अ नंबर इज प्राइम इफ इट इज नेचुरल नंबर एंड इट is divisible by exactly two natural numbers यहां तक डेफिनेशन हो गई पूरी। अब वो नंबर्स लिखने लगा हूं ब्रैकेट में, दीज नंबर्स आर वन एंड द नंबर इटसेल्फ। इनकी एग्जाम्पल है जी, टू को देखते हैं, टू को अगर मैं वन पे डिवाइड करूं अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन तो पूरा पूरा डिवाइड होता है, रिमाइंडर नहीं बचता और आंसर टू आता है। पहली कंडीशन हमारी पूरी हो गई। टू को अगर मैं इस नंबर इटसेल्फ पे करता हूं तो डिवाइड पूरा पूरा हो जाता है, सेकंड कंडीशन भी पूरी होगी। अब देखना है जी, क्या इन दोनों के अलावा किसी और नंबर पे तो नहीं डिवाइड होता? तो टू एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ वन पे और अपने ही आप पे डिवाइड होता है और किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता। इट मीन्स के टू प्राइम नंबर है। थ्री को डिवाइड करूं अगर मैं वन पे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, थ्री को डिवाइड करूं थ्री पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, थ्री इन दोनों नंबर्स के अलावा किसी दूसरे नंबर पे डिवाइड नहीं होता, इट मीन्स थ्री प्राइम नंबर है। तो हमने देखनी है जी दो कंडीशन के, एक नंबर वन पे डिवाइड होता और नंबर इटसेल्फ पे डिवाइड होता हो, अदर दिन किसी भी नंबर पे डिवाइड ना होता हो तो उस नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। इसके बाद आता है जी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो तमाम नंबर्स होते हैं जो वन के और कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो वन के और नंबर इटसेल्फ के अलावा किसी और नंबर पे भी डिवाइड हो सकते हो। तो वो तमाम नंबर्स जो अपने और एक के अलावा किसी और नंबर पे भी डिवाइड हो जाए उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है जी, अ कंपोजिट नंबर A composite number is a number that is a natural and it is divisible by more than two natural numbers।
फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल क्या है जी, आप एग्जाम्पल ले लें सिक्स की, सिक्स को अगर मैं डिवाइड करूं टू पे, टू थ्री जार सिक्स, सिक्स को डिवाइड करूं वन पे, सिक्स वन जार सिक्स, सिक्स को डिवाइड करूं थ्री पे, थ्री टू जार सिक्स। अब ये टू पे भी डिवाइड हो रहे हैं, वन पे भी हो रहे हैं, थ्री पे भी हो रहे हैं, मतलब दो फैक्टर से ज्यादा नंबर जो है उन पे डिवाइड हो रहे हैं। और सिक्स इसके अलावा, सिक्स को सिक्स पे डिवाइड करेंगे तो भी ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये इनके एक से ज्यादा जो है नंबर्स है, नेचुरल नंबर जिन पे डिवाइड हो सकता है, तो वो तमाम नंबर्स जो दो नंबर्स से ज्यादा नेचुरल नंबर्स पर डिवाइड हो जाए उनको कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। इसके बाद एक नंबर है हमारे पास वन। वन का आप सोच रहे होंगे कि मैंने प्राइम नंबर में उसकी एग्जाम्पल क्यों नहीं दी। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको यहां पे बताता हूं। कुछ नंबर्स होते हैं जो ना तो प्राइम नंबर होते हैं ना कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, तो वो क्या होते हैं देखते हैं जी। अब वन जो है इसको मैं वन पे डिवाइड कर सकता हूं, आंसर वन आ जाएगा। प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग हमारी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जो नंबर वन पे डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन इसकी एक और कंडीशन थी कि ये वन के अलावा अपने आप पे भी डिवाइड हो सकते हैं। अब देखें वन जो है ये खुद ब खुद भी वन है और वन को वन पे ही डिवाइड कर रहे हैं। कंडीशंस हमारी दो हैं प्राइम नंबर्स के लिए, तो एक टाइम पे हमारी एक कंडीशन ही प्रूव हो सकती है, तो लेकिन प्राइम नंबर्स के लिए हमारी दो कंडीशन प्रूव होना जरूरी है। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, नहीं। बारी आती है जी कॉम्पोजिट की। कॉम्पोजिट नंबर के लिए जरूरी है कि वो एक पे भी डिवाइड होते हैं, नंबर इटसेल्फ पे भी डिवाइड होते हैं और उनके अलावा भी किसी नंबर पे डिवाइड होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो प्राइम नंबर की कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही। इट मींस कि ये कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है, ना ये प्राइम नंबर है ना ये कॉम्पोजिट नंबर है। इसलिए वन की एग्जाम्पल ना प्राइम नंबर में आ सकती है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर में आ सकती है। आज हमने देखा कि प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं और इनकी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं। कोडेनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और लेक्चर्स सुनने के लिए यूट्यूब पर और गूगल पर मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स सर्च करें। अल्लाह निगेबान।